Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 10. In chapter number 10, today our topic is Chandragupta II, 380-412 AD. Samudragupta was succeeded by his son. So Samudragupta, वो अपने बेटी के द्वारा successful था. And Chandragupta II, he was one of the most well-known ruler of India. ये हमारे इंडिया का एक बहुत ही जाना माना राजा था. Who took the title of Vikramaditya, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था. He extended his existing boundary of the Gupta's empire by further conquest and marriage alliance. और उसने बहुत विजय हासिल की थी. एंड ही कंक्वर्ड वेस्टर्न मालवा, उसने वेस्टर्न मालवा को जीता था. एंड गुजरात, और गुजरात को जीता था. फ्रॉम द साकास एंड दस गॉट द एक्सेस टू सी ट्रेड, और जो सी ट्रेड था वो हासिल किया था इन फॉरेन कंट्रीज. दिस लीड टू द प्रॉस्पेरिटी एंड गुप्ता एम्पायर, और यही जो गुप्ता एम्पायर था उसको आगे बढ़ाते चला था. एंड द ब्रोच ही पेट्रोनाइज स्कॉलरली एक्टिविटीज एज वेल एज द आर्ट एंड साइंस. हिज कोर्ट वॉज एडॉर्न बाय द कॉल्ड नाइन जेम्स, उसकी कोर्ट को नाइन जेम्स कहा जाता था, और द नवरत्न कहा जाता था. विच वॉज अ ग्रुप ऑफ द पोएट, इसमें कौन कौन थे? पोएट थे, आर्टिस्ट, पोएट था एक, आर्टिस्ट था, स्कॉलर था, एस्ट्रोनॉमर थे, एक्सेट्रा. ग्रुप इंक्लूडेड द फेमस पोएट कालिदास, उसमें पोएट में कालिदास जो थे वो सबसे महान थे. एंड द एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट थे, और विराहमिहिर, और विराहमिहिर भी थे इसमें. चंद्रगुप्त सेकेंड एस्टेब्लिश अ मैरिज अलायंस विद द अट्टकास ऑफ साउथ इंडिया. दिस डायनेस्टी एक्सरसाइज्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया. डेक्कन प्लेस पर और साउथ प्लेस पर उसने बहुत महारत हासिल की थी. ही मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू वन ऑफ द विक्टर्स प्रिंसेस, उसने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी वताका के प्रिंस से की थी. प्रभावती बिकम अ वेरी पावरफुल एज द गार्जियन ऑफ द मिन्योर सन, वो एक बहुत बहादुर बेटी की माँ बनी. आफ्टर हिज डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद शी हेल्प द फादर ऑफ स्प्रेडिंग द गुप्ता इन्फ्लुएंस ओवर द साउथ इंडियन पॉलिटी. उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उसने अपने फादर के जो गुप्ता का एम्पायर था उसको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की. लेटर गुप्ता के बाद में चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सेडेड बाय द कुमार गुप्त. कुमार गुप्त के द्वारा ये सक्सेसफुल रहा. एंड टर्न वॉज द सक्सेस बाय द स्कंद गुप्त. स्कंद गुप्त वॉज सक्सेसफुल इन द कंट्रोलिंग द अट्रैक्ट ऑफ द हुनास. हुनास के अट्रैक्ट द्वारा ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. इन द बार्बरिक नोमैडिक ट्राइब, और जो नोमैडिक आदिवासी थे सेंट्रल एशिया के. हाउएवर द लेटर गुप्ता रूल वर द वीक, ऐसे तो गुप्ता का जो पीरियड था वो थोड़ा सा वीक रहा. एंड द ग्रेजुअली द प्रोविंसेस अंडर द गुप्ता बिकम द इंडिपेंडेंट, परंतु गुप्ता के अंडर में जो प्रोविंसेस थी वो क्या रही? इंडिपेंडेंट रही हैं. सम कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द हुनास एंड द गुप्ता एम्पायर इन डिसइंटीग्रेटेड बाय द मिड सिक्स्थ सेंचुरी एडी. इसका इंडिया आफ्टर द गुप्ता, गुप्ता के बाद इंडिया कंडीशन क्या रही? डिक्लाइन द गुप्ता, जैसे जैसे गुप्ता का पतन होते गया, नंबर ऑफ द किंगडम अपेरेंट टू द नॉर्थ इंडिया, और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की ओर शिफ्ट होते गए. एंड दे कुड एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर अदर, किसी और के ऊपर अपनी सुपरमेसी नहीं साबित कर पाए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में द फॉलोइंग किंगडम अपीयर्ड इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. कुछ समय के बाद में जो नॉर्थ साउथ इंडिया थे ट्राई टू फिल द वैक्यूम इन द पॉलिटिकल फील्ड, और
कुछ जो पॉलिटिकल जो फील्ड थे वो फिल करना स्टार्ट किए। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।